फाइनली दोस्तों सेंट्रल बैंक के सीएसपी में एक न्यू अपडेट आया है जिसका नाम है रीकेवाईसी। फाइनली रीकेवाईसी आप किसी भी कस्टमर के कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप किसी भी कस्टमर का रीकेवाईसी करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आईडी लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद आपको रीकेवाईसी पे क्लिक कर देना है। कुछ इस पर खुल जाएगा। यहाँ पे कस्टमर का आपको अकाउंट नंबर फिल करना होगा। ऑथेंटिकेट पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस पर अगर वेरीफाइड डाटा सक्सेस हो जाएगा, इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, आपके सामने कुछ इस पर खुल जाएगा। यहाँ से देख सकते हो नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसके बाद यहाँ पे जेंडर देख सकते हो, एंड यहाँ पे आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, उसके बाद पूरा फुल एड्रेस देख सकते हो, एंड यहाँ रीकेवाईसी डेट देखने को मिल जाएगा। आपको नो योर यस पर कुछ भी टिक नहीं करना है, जो है उसको ही रहने देना है, एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ से देख सकते हो रीकेवाईसी ऑलरेडी कंप्लीट सक्सेस। 11/1/2034 तक 10 साल का रीकेवाईसी कंप्लीट हमारा हो गया। सो फ्रेंड, इस पर खूब आसानी से किसी भी कस्टमर का आप रीकेवाईसी कर सकते हो, वो भी अपने सिस्टम से। सो ये अपडेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही ऐसे इंटरेस्ट वीडियो के लिए चैनल कर लिए सब्सक्राइब, साथ ही घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो फ्रेंड, चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।